नमस्ते यूट्यूब फैमिली, आज मैं बना रही हूँ कटहल आलू की सब्ज़ी। मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। देखिए, मैंने कटहल को काट के बॉईल कर लिया है। अब इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, कटहल हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। बस उसे इतना ही फ्राई करना है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच ऑयल डाला है मैंने, आलू भी इसी में फ्राई कर लेंगे। आलू में भी हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी का जार लिया है मैंने, उसमें मैं डालूंगी 2 प्याज, 15 लहसुन है, ये छोटा टुकड़ा अदरक का। इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे। कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, उसमें डाल लेते हैं खड़ा जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची। ये सभी को तेल में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, मैंने जो अभी ग्राइंड किया है, इसे तेल में डाल देते हैं। इस पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा प्याज भून गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। ये 2 टमाटर है, इसका भी मैं पेस्ट बना के डालूंगी। अब इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर का पेस्ट। इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि मैंने कटहल में भी नमक डाला है, आलू में भी नमक डाला है, इसलिए कम ही डालें। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच। अब मसालों को हम थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। मसालों को हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। मसाले हमारे पक गए हैं। अभी इसमें हम फ्राई किया हुआ कटहल और आलू डाल देते हैं।
अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, इसे मिला देंगे। देखिए हमारा कटहल आलू का सब्जी तैयार है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद।